उम्मीद करती हूँ समझ में होगे तो सबको मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। तो हम सुबह मैं तो उठी थी 8 बजे, तन उठी है 9 बजे क्योंकि मेरी नींद अभी तक पूरी नहीं है। मैं सोई थी रात को 2 बजे और मैंने रोज चाय पी थोड़ी सी। मैं जा रही शॉप पे काम करके, तनु सिर्फ झाड़ू झाड़ू निकाल के चली जाती हूँ और सारा काम तनु कर ले, कुछ भी काम नहीं है, सिर्फ पोछा पोछा लगाना है क्योंकि इतना ठंडा मिलता तो है नहीं, तनु कर लेगी तो मेरे जाने की तैयारी हो गई है। बस अभी मैं उठी थी जिम से आने के बाद है ना, मैं दोबारा सो गई थी, मैं भी सो रही थी ऊपर, तो मैं नीचे सो रही थी, नींद आ रही थी। तो बस अभी कर रहे हैं हम पैकिंग जाने के लिए। तो अभी यहाँ पे सारा सामान बिखरा हुआ है, सारा सामान सेट करने के बाद आपको दिखाएंगे राखी वगैरह। ये राखी लेके आए थे हम, देखो मामा जी की मामी जी की, दो लेके आनी पड़ी क्योंकि ये हमें दो चाहिए थे। और टॉवल वगैरह है वो सब पैक करके और फिर रखेंगे क्योंकि शायद आज शाम को भी हमें निकलना पड़ेगा। कल हम लोग पूरे बाजार में घुमाए थे, हमें कुछ नहीं मिला, तो इसलिए मम्मी ने बर्थडे पे जो साड़ी ली थी ना, मम्मी की नई पड़ी थी, मैं बोली मम्मी यही पहने ना अच्छी लगेगी, कलर कितना अच्छा है इसका। इसके साथ के पता है क्या करो, जो चूड़ी कड़े वगैरह है ना वो ले लो। तो गाइस इधर देख लो, इतनी राखियां निकाल के रख दी तनों ने, इतनी राखियां, ये मितेश और का बंदेगी, ये उनका बंदेगी, मितेन और का, कितनी राखियां, सोलो 50 राखी होगी होगी तनों है ना, इतनी राखियां निकाल दी है, मेरे भी बांधी है तनु, मेरे भी बांधी है, तो तनु ये राखियां सारी बांध देगी। और ये हमने ले ली है सुनील और के लिए, सारा सामान मैं एक थैली में डाल रही हूँ, मिठाई मैं ले आऊंगी जाकर आमदनी। तनु तेरे बुआ जी का राखी बांध दी बेटा, नुकमा तो राखी वाले में कितने जिद्दी खैर है ना, है ये बांध वाले के अच्छा तू क्या चाहे है ना जाओ मन ना मेरा आपा किसी में नहीं रोका करो सब जाओ अपने भाइयों का पापा सिर्फ मैंने तेल लगा लिया था, मैं खास से धो लूंगी क्योंकि बहुत चिपचिपे बाल हो रहे, कंडीशनर मंगवाया मैं कभी तक कंडीशनर लिया है तो भी जल्दी बाल सही होंगे। अब सिर धो के छोटे कंडीशनर लगा फिर सिर धोना। और ये ड्रेस लेके आए थे हम, हफ्ता हो गया जब लेके आए थे, तो अब मैंने डिग्गी में देखी, डिग्गी में पड़ी थी, ये कल डालेंगे कानू का। और ये कैप ठीक है, एक बुआ जी के लिए लेके आई थी मैं पैरेट रंग का, और ये कानू के लिए लेके आए थे, तो ना ला बुआ जी के कानू के लिए लेके आई थी। मम्मी ना के हो चुकी है रेडी, अब मम्मी खा रही खाना, क्योंकि मम्मी को बुआ जी कह रही थी कि है ना बासी रोटी अच्छी होती है पेट के लिए, पर सेक की अच्छी नहीं होती, सेक की वो मम्मी ने सेक ली, मम्मी ने थोड़ा खुद का दिमाग लगा लिया। तो इधर मम्मी अपने रोटियां सेक के लेके आई है क्योंकि लुकी चाय के साथ फिर खाई नहीं जाती। खुश खबरी दे दी मम्मी पतली होगी चाचा रहूंगा पूरा दूध कोई ना ठीक होगी मैं हाँ। बस तो गाइस अभी टाइम हो चुका है, 6 बज चुके हैं, मैं शॉप पे आई थी, मतलब मम्मी के साथ ही आई थी, मम्मी दिन में घर पे आए थे ना, उसके बाद हम शॉप पे आए थे अभी। और बस एक पीओपी का जो हमारे पास था ना एक कट्टा रहता था, चेंज करा के आना था, अभी उसे चेंज करा के आई हूँ मैं। और बस अभी मम्मी कह रही है कि है ना सुबह निकलना है वहाँ के लिए, मामा जी के लिए, तो आज कुछ काम आ गया था तो मम्मी आज जा नहीं पाई, इसलिए कल मॉर्निंग में निकलेंगे हम, फिर 9-10 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे और फिर शाम को फिर आ जाएंगे मौसी के, अगले दिन भी हमें जल्दी पहुँचना है क्योंकि फिर उससे जिस दिन 20 तारीख का भी मेरा एग्जाम है, उससे 20 तारीख का भी मेरा एग्जाम है, तो इसलिए हमें वापस आना पड़ेगा जल्दी। फ्राइज कर ले रहे हम जलेबी, मितेश और कहना यार राखी बांध दे, उनका फोन आया था और निशा दीदी का भी फोन आया था कि तनु राखी बांध के जाए, उनके लिए हमने रसगुल्ले ले लिए, एक की डिमांड थी कि हमारे लिए जलेबी लेनी है, तो हम गर्म गर्म ले रहे इधर जलेबियाँ। अभी मेरे को लगाना है उसमें कटे हुए तार में आँख लगाते हैं, हमारे ही तो ठीक है। तो 9 बजे निकले हम शॉप से, सारे पर्दे ठीक करके लेके आएंगे, आपके साथ पर्दे लगाऊंगी, फिर खाना खाएंगे और उसके बाद तैयारी करेंगे, उसके बाद सोएंगे, रात के 12 बज जाएंगे आज हमको तैयारी करते करते। तो गाइस वो सब ने अभी जलेबी ले ली, लेकिन हम लोग गेवर भूल गए थे, तो अभी गेवर लेने जा रहे हैं, तो अभी दूर जाना पड़ेगा, हमारी शॉप के पास में था गेवर, उसे भी थोड़ी सी आगे हम लोग घर के पास पहुँच गए थे, तो अभी दोबारा हम गेवर में जा रहे हैं क्योंकि भूल गए थे, अब बिना मिठाई के तो जाते अच्छे में दुकान बंद करेंगे, तो इसलिए अभी गेवर लेके आएंगे। और 9 बज चुके हैं, ये नहीं पता घर जाके कितना लेट हो जाएगा, मिथेन और रोहित और सब वेट कर रहे हैं राखी के लिए, तो भाई हम आ चुके हैं घर, इधर लाइन लग चुकी है तनु के भाइयों की, ये देख लो 3 तो ये रे और 2 अपने घर हैं, और 2 या राखी तनु पीछे बांधेगी, ले ले बांध तनु राखी, पहले बांध क्या नाम इसका वंश का ठीक है, और फिर बांध रील बना दू ने, एक पहले बन चुकी है वंश का, फिर बांधेगी मोहित का, रोहित नाम है क्या मोहित है, और तेरा भाई कहाँ दूसरे वाला सो गया, तो उसकी भी दे दी तन्नू, और उसका रीना का भी फोन आ चुका पूरा, पूरा, पूरा खाना है,
रीना का भी फोन आ चुका भाई। ठीक है सेठ का बंद है भाई, तन इसका ब्लॉग जरूर बनना चाहिए। और भगवान इनकी इनकी तीनों की इतनी लंबी उम्र दे रहा हम बहुत। किसने चाहिए है पर किस कारण चाहिए? मितेश तेरे रोहित गुड मॉर्निंग गाइस, तो आप सब कैसे? उम्मीद करते हैं ऐसा मजे में होगा। तो हम रेडी हो चुके हैं, बस अब सारे काम हो चुके हैं, नहाए धोए हैं, सिर बस कंघी करना रहे, घर का नुक राखी बंद आई, माता जी का राखी बंदी, सारी माता जी का राखी बंद कर भोग लगा कर। और जब आई मैं थोड़ी चाय लेकर थोड़ी चाय पीऊंगी, और तनु के बाल इतने अड़के हो चुके, इतने अड़के भी पूरे खत्म हो चुके। तनु करवा ले ट्रीटमेंट कि मैं बेटा बहुत गंदे लगन लग गए, तो नजर होगी तेरे बाल पे बहुत भारी बाल थे। और तनु भी रेडी हो चुकी है, देखो बहुत ही गए तनु, पीछे जैसे लग रहे हैं नहीं बाल नकली। इसको कुछ अब तक करना पड़ेगा भाई। बस अभी हम लोग निकल चुके हैं बस स्टैंड के लिए, बस स्टैंड की स्कूटी खड़ी करेंगे, कल फिर आएंगे तो चलिएगी। तो अभी बस हम लोग है ना आजरा से तो पहुँच चुके हैं, 6:30 हो चुके हैं, 7:30 की हमारी जो है वो बस है। इस सुबह होने की डायरेक्ट में सिर्फ कितने घंटे में पहुँचाई दूँगा, 4 घंटे में पहुँचा दूँगी, 11:30 तक पहुँचा दूँगी। तो बस है ना अभी आज ये देखो भीड़ कितनी, आंटी जा रही थी, कह रही अच्छा वीडियो बनाती जा रहे हैं। तो बस है ना आज भीड़ इतनी ज्यादा होगी हद से ज्यादा, क्योंकि रक्षाबंधन वाले दिन भीड़ होती होती है जबरदस्त। वैसे आज लेडीज की सीट भी तो फ्री होती है, वो प्राइवेट में होती है, प्राइवेट में होती है, सरकारी में होती है पता नहीं, पर लगा क्या अपॉर्चुनिटी। अपनी तो एसी बस है, एसी बस में जाएंगे 7:30 वाली जो है। गाइस बस अभी हम लोग बस में बैठ चुके हैं, आज इतनी मुश्किल से बैठे भाई, धक्का मुक्की इतनी भीड़ हो रही है जिसकी कोई हद नहीं, इतनी मुश्किल से चढ़े बस में। हम तो सबसे पहले मम्मी चढ़ी, सबसे आगे खड़ी हो गई वो खिड़की के, भाई मैं सेकंड नंबर पे चढ़ी, लेकिन मैं भाई उनको लॉग इन कुछ से पूरा मेरा इतना भाई इतनी भीड़ के अंदर रकम भी करती है। बस रुक चुकी है चाय पानी पीने के लिए, तो तनु लेने के लिए कुछ खाने का लेने गई है, और 15 मिनट बैठ मैं तो लेंगी थोड़ी सी चाय, क्योंकि सुबह सुबह चाय अच्छी नहीं लगी थी करवानी, क्योंकि सुबह सुबह ज़्यादा करना हो, थोड़ी सी चाय पीएंगी और उसके साथ बिस्किट ताकि जीना मुझसे खाएगा। भाई 10 बज चुके हैं और बस अभी हम लोग कहाँ पहुँचे हैं ये पता नहीं, पेवा कुछ भी यहाँ पे पहुँच गए हैं, यहाँ से अभी हम मैक्सिमम 1.5 घंटा और लगेगा पहुँचने में, और गर्मी इतनी हो रही है पता नहीं, एसी बस में भी गर्मी लग रही है। और इधर मम्मी खा रही है अपनी चाय बिस्किट, मैं बिस्किट लेके आई थी पहले तो कह रही कि बहुत गंदे बिस्किट आई है, और अब कह रही है बहुत टेस्टी है मेरे बिस्किट, क्या हाथ मत लगा। हाँ तो अम्मा टेस्ट कैसा है? कुकीज है आई बस समझ में, बहुत टेस्टी होते हैं। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, बस अभी अंदर एंट्री करनी है, कोई साथ बता देगा फिर हम लोग खुद ही आगे, बोल जी का फोन आया था कहाँ पे रह गए आज, बस पता नहीं लेट होगी, तो बस अभी एंट्री करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे ऊपर जाने के बाद। लिफ्ट में चल चुके हैं, चल चुके पैदल चल के आए भाई, बहुत दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। मेरे पता है क्या होता है, जो दर्द नहीं होता है ना उनमें दर्द होता है पता नहीं क्या, बुरा हाल हो रहा है। सुनने में कि रोटी की जो बाइट होती है ना छोटी रहनी चाहिए इसलिए होता है। बहुत तरीको किसने शिक्षा दे दी भैया दी, तो फटाफट हम पहुंच गए 2 मिनट के अंदर। बस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं और तूबा को देख सकते हो आप, तूबा कैसे मेरे पास आके बैठेगी, तूबा मूंग दाल खा रही है और मम्मी ये रही खुश, मामा जी अभी किसी काम से बाहर गए हैं, मौसी को देख सकते हो नाइट शूट में बैठे हैं मौसी। तो बस आज के व्लॉग हम इसके साथ एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में राखी के साथ, राखी बांधेंगे उसके साथ। तो बस जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को आगे से आगे शेयर करो।